असलम वेलकम टू स्टूडेंट यूब आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर टू आई कॉम पार्ट वन बिजनेस मैथ बुक है शाहिद जमाल की चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज तो चलें आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर है टू पॉइंट फाइव थ्री इफ एट मैन टेक ट्वेल्व डेज टू असेंबल सिक्सटीन मशीन्स हाउ मैनी डेज विल फिफ्टीन मैन टेक टू असेंबल फिफ्टी मशीन्स ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखने हैं मैन एट हैं फिर है डेज ट्वेल्व और मशीन्स कितनी हैं यहाँ पर सिक्सटीन मशीन्स ठीक है हाउ मेनी डेज विल बी विल फिफ्टीन मैन फिफ्टीन मैन टेक टू असेंबल फिफ्टी मशीन्स और यहाँ पर एक्स आ गया ठीक है तो अब यहाँ पर देखें तो मेंस जो हैं वो एट से फिफ्टीन हो गए हैं ठीक है ठीके? और इसके बाद यहाँ पर मशीन्स डेज देखेंगे। यानी कि मैन आठ से पंद्रह हो गए तो दिन भी बढ़ जाने चाहिए ठीक है और इसके बाद मशीन्स को अगर हम देखें तो मशीन्स जो हैं वो सोलह से पचास हो गई हैं तो यहाँ पर मशीन्स असेंबल हो रही हैं बेसिकली मशीन से काम नहीं लिया जा रहा मशीन को असेंबल कर रहे हैं तो यहाँ पर जब मशीन बढ़ गई यानी कि काम बढ़ गया तो डेज़ भी फिर ज़्यादा होंगे तो दोनों ज़्यादा हो रहे हैं तो ये हो गए डायरेक्ट और यहाँ पर आदमी बढ़ गए हैं ठीक है तो दिन कम हो जाएंगे तो ये हो गया इन्वर्स ठीक है सो so, इन्वर्स ये दोनों मैन और डे इनवर्स है और मशीन और डे जो है वो डायरेक्ट है ठीक है तो यहाँ पर हो गया एट अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व अपॉन एक्स बल्कि यहाँ पर आएगा एक्स अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी अपॉन सिक्सटीन ठीक है तो यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू एट अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी अपॉन सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पर फाइव थ्रीज़ आ फिफ्टीन फाइव वन ज़ा फाइव जीरो का जीरो टू एट जा सिक्सटीन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व एट वन जॉ एट एट वन जॉ एट थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स और टेन टू जै क्या होगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी डेज अगला सवाल करते हैं टू पॉइंट फाइव फोर फाइव फोटो कापियर कैन प्रोड्यूस नाइनटी थाउजेंड कॉपीज इन सिक्स आवर्स अ डे अब पांच फोटो जो हैं वो एक घंटा छः छः घंटे काम करते हैं तो उसमें वो नाइन्टी थाउज़ेंड कापीज़ बनाते हैं सो हाउ मैनी फोटो कापियर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिक्सटी वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड कापीज़ वर्किंग एट आवर्स अ डे तो कितने फोटो कापियाँ रिक्वायर्ड होंगे जब कॉपीज़ की तादाद जो है वो नाइन्टी थाउजेंड से हो जाए वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड और वो काम कर रहे होंगे दिन में आठ घंटे तो यहाँ पर फो, फोटो कापियर लिखेंगे पहले तो फोटो कापियर और यहाँ पर फिर कॉपीज आएंगी और फिर यहाँ पर आ जाएंगे आर्स ठीक है तो यहाँ पे फ़ोटो कापियर कितने हैं फ़ाइव हैं तो कॉपीज़ कितनी बनाते हैं नाइन्टी थाउजेंड काम कितने घंटे करते हैं सिक्स ठीक है फिर यहाँ पर फोटो कापियर हमें बताने कितने चाहिए होंगे अगर ये वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड कापीज़ बनाएँगे आठ घंटे काम करके ठीक है तो यहाँ पर देखें तो कॉपीज़ की तादाद बढ़ गई है तो यहाँ पर यह है फोटो ठीक है जो के हैं फाइव और एक्स तो यहाँ पे फोटो कॉपियर फाइव दिए हुए हैं एक्स दिया हुआ है यहाँ पर जो कि हमें फाइंड करना है अब आर जो फोटो कॉपियर को देखें तो आर जो है वो इनवर्स नहीं रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे और ये भी इसी तरह से ठीक है तो ये हो गए फाइव अपॉन एक्स इन टू वन सिक्सटी एट थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ठीक है और मल्टीप्लाई बाय सिक्स अपॉन एट तो यहाँ पर एक्स इधर आ गया वन सिक्सटी एट थाउजेंड अपॉन नाइन्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय सिक्स अपॉन ऐट और फाइव ठीक है सो so यहाँ पर तीन ज़ीरो जो है वो काट देते हैं यहाँ पर हो गया ये थ्री थ्री ज़ा नाइन जीरो का ज़ीरो थ्री टू ज़ा सिक्स ठीक है एट वन ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन और एट वन ज़ा एट तो फिर यहाँ पर थ्री वन जो थ्री जीरो का ज़ीरो थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन फिर यहाँ पर टू वन जा टू टू फाइव जा टेन फाइव वन ज़ा फ़ाइव फाइव वन ज़ा फ़ाइव सो सेवन वन जा सेवन सो सेवन ठीक है तो फोटो कितने चाहिए होंगे ना सेवन फ़ोटो चाहिए होंगे अगला है टू पॉइंट फाइव फाइव असोप फैक्ट्री एक सिक्स हंड्रेड यूनिट्स इन नाइन डेज़ विद द हेल्प ऑफ ट्वेंटी मशीन्स हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड इन ट्वेल्व डेज विद हेल्प ऑफ एटीन मशीन्स तो यहाँ पर यूनिट्स आएंगे तो यहाँ पर आएंगे यूनिट्स डेज़ और मशीन्स ठीक है सो सिक्स हंड्रेड यूनिट्स नाइन डेज में ट्वेंटी मशीन्स बनाते हैं ठीक है तो हाउ मनी यूनिट्स कितने यूनिट्स होंगे जो बारह दिन में बनाएंगे जो बारह दिन एटीन मशीन्स बनाएंगे कितने यूनिट बारह दिन में ठीक है तो so, यहाँ पर हो जाएगा ये अब यूनिट्स देखें डेज बढ़ रहे हैं ठीक है तो यूनिट्स भी ज़्यादा होने चाहिए जब दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो यूनिट्स भी ज़्यादा होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे मशीन्स जो हैं वो ट्वेंटी से एटीन हो गई यानी कि मशीन्स हो गई कम तो यूनिट्स भी हैं तो कम हो जाएंगे तो ये तीनों एक्स अपॉन सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व अपॉन नाइन इंटू एटीन अपॉन ट्वेंटी ठीक है सो यहाँ पर ये यह हो गया x इज़ इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन नाइन मल्टीप्लाई बाय एटीन अपॉन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय सिक्स हंड्रेड ठीक है सो नाइन वन जो नाइन नाइन टू 18 एटीन फिर यहाँ पे टू वन जो टू जीरो का ज़ीरो टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ठीक है फिर यहाँ पर टेन वन जो टेन डेन सिक्स ज़ा सिक्सटी और ज़ीरो का ज़ीरो तो सिक्सटी को टू से मल्टीप्लाई करें देन सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है सेवन ट्वेंटी सो एक्स इज़ इक्वल टू सेवन ट्वेंटी यूनिट्स जो हैं वो अट्ठारह मशीन्स बारह दिन में बनाएंगी तो ये था आज का क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़